दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है? आपने अक्सर टीवी पर या फिर अखबारों में सेंसेक्स शब्द को पढ़ा या देखा होगा। कभी आपने देखा होगा कि सेंसेक्स आज इतने अंक ऊपर चला गया, या कभी आपने देखा होगा कि आज सेंसेक्स इतने अंक नीचे गिर गया। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तब आपके मन में सेंसेक्स के बारे में ज़रूर आया होगा, पर आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि आप नहीं जानते कि सेंसेक्स क्या होता है। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेंसेक्स क्या होता है, और इसमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको डिटेल में दूंगी। दोस्तों, सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर्स के भाव में होने वाली तेज़ी और मंदी को बताता है। इसी के ज़रिए हम इसमें सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनी के प्रदर्शन की इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। सेंसेक्स की बात की जाए तो हाँ, यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसकी स्टार्टिंग 1986 में हुई थी। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंतर्गत कुल 30 प्रमुख भारतीय कंपनियां आती है। ये कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है। यह सभी के समय में भारतीय GDP का कुल 37% है। यह कंपनियां एक टाइप से भारतीय बाज़ार के ट्रेंड को सेट करने का काम करती है, और इजी लैंग्वेज में कहें तो भारत की बड़ी कंपनी के शेयर की कीमतों को आंकने के लिए बनाए गए सूचकांक जो इन कंपनी के शेयर को बढ़ाती है और घटाती है, और इस पर नज़र रखती है, वही सेंसेक्स कहलाती है। सो फ्रेंड, अब जानते हैं कि सेंसेक्स कैसे बनता है। अभी हमने बात की सेंसेक्स क्या होता है, अब हम जानेंगे कि सेंसेक्स कैसे बनता है और यह किन लोगों द्वारा बनाया जाता है। इसमें बनने की प्रक्रिया को हम समझेंगे। जैसा कि हम भलीभांति जानते हैं कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक पार्ट है, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड केवल 30 कंपनियों के शेयर्स के भावों से मिलकर बना हुआ है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुल कंपनियाँ का आंकड़ा 6,000 से भी ज़्यादा है। जब सेंसेक्स की काउंट्री की जाती है तो उसमें केवल 30 कंपनी जो कि मार्केट में मेन है, उनके ही शेयर को शामिल किया जाता है। इन 30 कंपनियों के शेयर के भाव को शामिल करने के पीछे का रीज़न यह है कि ये एक तो 30 कंपनी के शेयर सबसे ज़्यादा परचेस और सेल किए जाते हैं, दूसरा रीज़न यह है कि 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती है, इनका मार्केट कैप स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध सभी शेयर का लगभग आधा होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तीसरा रीज़न ये है कि 30 कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर से चॉइस की जाती है। ये 30 कंपनियां अपने सेक्टर में सबसे बड़ी मानी जाती है। इन 30 कंपनियों का चुनाव स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी द्वारा ही किया जाता है। इस कमेटी में कई वर्गों के लोग शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सरकार, बैंक और जाने माने अर्थशास्त्री भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सेंसेक्स कैसे घटता और बढ़ता है। सेंसेक्स, इसका काम ही हमें शेयर की जानकारी प्रदान करने का होता है। यह अपने अंतर्गत आने वाली 30 कंपनियों के शेयर में आए उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। अगर सेंसेक्स की लिस्टेड कंपनी के बाज़ार में शेयर के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तो सेंसेक्स भी बढ़ता है और ऊपर चले जाता है। वहीं अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी के बाज़ार में शेयर के मूल्य गिर जाते हैं तो सेंसेक्स भी गिरने लगता है। शेयर की कीमतों में नीचे जाने और ऊपर जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है उन कंपनी का प्रदर्शन। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कंपनी ने बाज़ार में कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो संभावना है कि कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे ही। इसी प्रकार कंपनी अगर किसी मुश्किल से गुजर रही होती है तो लोग इसको छोड़ना चाहते हैं और शेयर ज़्यादा मात्रा में बेचे जाने लगते हैं। शेयर की ज़्यादा मात्रा होने से शेयर के दाम घटते हैं और सेंसेक्स नीचे आने लगता है। दोस्तों, किस आधार पर 30 कंपनियों का चुनाव किया जाता है? इंडेक्स कमेटी सेंसेक्स के में शामिल होने के लिए 30 कंपनियों के चुनाव के वक्त जो बातें ध्यान रखती थी वो इस प्रकार थी। उस कंपनी के शेयर कम से कम एक साल या उससे भी अधिक समय से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए। दूसरा, पिछले एक साल के अंदर जितने भी शेयर बाज़ार ओपन होते हैं उन सभी दिनों में उस कंपनी के स्टॉक का खरीदा और बेचा जाना अनिवार्य होता है। हर दिन की औसत ट्रेड की संख्या और वैल्यू के हिसाब से ये कंपनियां देश की सबसे बड़ी 150 कंपनियों में आती है। यही बातें हैं जो लिस्टिंग के लिए इंडेक्स कमेटी द्वारा ध्यान में रखी जाती है। देन आप जानते हैं बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 30 कंपनीज कौन कौन से हैं। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों को 1986 में पहली बार शामिल किया गया था। ये सभी कंपनियां वित्तीय रूप से काफ़ी ताकतवर और मार्केट कैप के हिसाब से भी बहुत बड़ी होती थी। इस कंपनी के शेयर की मांग स्टॉक मार्केट में हमेशा बनी रहती है।
इस कंपनी को ब्लू चिप कंपनियां भी कहा जाता है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में कुल अभी 30 कंपनियां शामिल हैं। BSE सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, सिप्ला, कोल इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरीज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, ITC इन्फोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, लुपिन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, टाटा मोटर्स DVR ऑर्डिनरी, टाटा स्टील लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। इस वक्त भारतीय बाजार में इन कंपनियों का एक तरीके से कहा जाए तो राज चलता है। ये सारी कंपनियां अपने सेक्टरों में प्रमुख कंपनियां हैं और हर कंपनी अपने सेक्टर का एक तरीके से सेंसेक्स में प्रतिनिधित्व करती है। सो फ्रेंड, अब जानते हैं सेंसेक्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे तो सेंसेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इसके ज़रिए निवेशक बाज़ार में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों को जान सके और समझ सके, उनके हिसाब से अपना पैसा ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर सके। पर सेंसेक्स से हमें कुछ ऐसे भी बेनिफिट है जो कि वैसे तो सीधे तौर पर ज़्यादा कोई असर या फ़ायदा नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी यूज़फुल होते हैं। रुपए की चाल बाज़ार के अनुरूप बदलती रहती है और जब रुपया मजबूत होता है तो देश में चीज़ें सस्ती होती है। आइए कुछ अलग अलग फ़ायदे के बारे में जानते हैं। जब कंपनियां सेंसेक्स को ऊपर जाते देखती है तो निवेशक भी ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने की चाह रखते हैं, और जब निवेशकों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनियां ग्रो करती है और एक्सपांड होती है। और जब भी कोई कंपनियां एक्सपांड होती है तो उसके लिए उसको नए लोगों की ज़रूरत होती है, और वैसे तो देखा जाए तो अधिक लोगों को नौकरी देंगे और इसका सीधा मतलब है बेरोजगारी की कमी होगा। जब शेयर बाज़ार अच्छा होता है और सेंसेक्स ऊपर जाता है तो देश में बहुत सारी बाहरी निवेशक आने लगते हैं, और जब वो भारतीय कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो इससे रूप में तेज़ी आती है और रुपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले में मजबूत होता है, और जब रुपया मजबूत होता है तो इससे चीज़ें सस्ती होने लगती है। जैसे कि विदेश आयात होने वाला सामान रुपये में आई तेज़ी के मुकाबले कम कीमतों पर मिलेगा। भारतीय शेयर बाज़ार लगातार ऊंचाई की ओर अग्रसर है। एक समय जब इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, तब सेंसेक्स सिर्फ 1000 हुआ करता था, पर आज के समय में यह आंकड़ा 5 अंकीय संख्या तक पहुंच गया है। आज के समय में यह 30,000 को पार कर चुका है और हर दिन नए कीर्तिमान रच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी यह नई ऊँचाइयों को छुए और निवेशकों को मुनाफा कमाने में हेल्प करे। दोस्तों, आज हमने सीखा कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। आई होप कि आपको सेंसेक्स से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किए करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।